हमारा सोचना बहुत घटिया है दोस्तों। और वैसे मैं तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शुभम के घर से शुरू कर रहा हूँ। इन लोग आज यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं, सीट डाल रहे हैं। ये सीट टूट गया था ना, तो इधर अपना घनिष्ठ मित्र स्कूल फ्रेंड मिस्टर विष्णु कुमार ये भी हेल्प कर रहा है इनको। तो हम लोग अभी जाएंगे ट्रैक्टर से आज शुभम के साथ फिर से कल जहाँ जा रहे थे वहाँ पर ओडिशा धनोरा। तो कल नहीं जा पाए क्योंकि कल तगड़ी बारिश हुई। आके हम पार्टी करने के लिए गए थे वहाँ पर भी तगड़ी बारिश हुई, वहाँ पर भी नहीं जा पाए। अभी जाएंगे, अभी थोड़ा मौसम ठीक है। तो मैं इधर खोपचा से जा रहा हूँ, इधर साइड से इधर निकल रहा हूँ। तो साइड में ट्रैक्टर लगा है, ये थोड़ा सा बैल वैल को देख रहा है, उसके बाद जाएंगे। इधर देख सकते हो महिंद्रा ट्रैक्टर्स, तो इसमें जाएंगे आज। आज किसी भी हालत से लाएंगे। आज तो मेरे ख्याल से बारिश नहीं होगी, देखते हैं, किस्मत रहे तो जाएंगे। मैं स्कूटी से आया था, तो चलो कल तो नहीं नहाए थे, आज नहा लिए जल्दी। भले ही गंदा होने होगा सामान जोड़ते टाइम, उसका छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह उधर जा रहा है थोड़ा सा बैल वगैरह देखने के लिए। तो आज मैं भी ट्रैक्टर में नहीं जाऊंगा, मैं बाइक पकड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी पड़ सकती है, कुछ भी खराब हो सकता है। तो चलो बस मैं अभी घर जाऊंगा। तो ये राजू और मैं दोनों कोई जा रहे हैं, ट्रैक्टर वाले पीछे साइड से आ रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा मारंगपुरी में काम है, वहाँ पर काम करवाएंगे, उसके बाद इनके पीछे पीछे हम लोग भी जाएंगे। और उनको पता नहीं है ना जहाँ पर हम लोग हम लोग आधार कार्ड अपडेट करने वाले के पास गए थे, लेकिन लाइट गोल है तो कल आना बोला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ओडिशा धनोरा। तो ट्रैक्टर वाले भी नहीं पहुंचे अभी, उनको यहां तक पहुंचने में लगभग मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो हम लोग साइड बॉर्डर में रहेंगे, सामने जस्ट पहुंचने वाले हैं। ये दी तो अमरे यार। तो ये हम पहुंच गए हैं ओडिशा धनोरा, धनोरा ओडिशा बोले तो। और पीछे साइड से आ रहे हैं सुबह हम लोग, सामान पैक करके लेके जाएंगे यहां से। तो चलो चलते हैं जहाँ से हमें सामान लेना है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पैकिंग कर चुके हैं, देख सकते हो, बाकी शिपिंग का बाकी है। तो हम लोग अभी जाएंगे इस एक्सट्रीम से आगे और उन लोग आएंगे पीछे पीछे। तो बस चलो। तो भाई लोग अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम घर में आ गए अपने अपने सब लकड़ी को छोड़ के। और आज इतना स्ट्रगल किए हैं कि क्या बताऊं, इतना दुखी लगा, लेकिन दुखी के साथ साथ खुश भी लगा, क्योंकि मैं दोनों झेल लेता हूं, दुख बहुत झेल लेता हूं, खुशी भी बहुत झेल लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ आप सभी लोग हो ना यार, आप सभी लोग हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मेरे साथ जुड़ते हो, वो बहुत खुशी होती है। भले इतना भी दुख हो जाए, आप लोग जुड़ते हो मेरे साथ तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। तो फिर भी मैं अभी बहुत थक गया हूं, लेकिन क्या करूं, अभी जस्ट खाना खाया हूं और इधर टहलने के लिए जा रहा हूं। आप लोग जानते हो मेरा रोज का टहलना जो भी होता है। तो बस यार मैं टहल के फिर से मिलता हूं आप लोगों से, क्योंकि अब तो थोड़ा सा दिखाएंगे उसका सीन भी। तो मेरा सीन यही है दोस्तों कि मैं इधर आ गया हूं अभी, और बरसात के मौसम में पूरा मेंढक टर 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 कर रहे हैं, पानी गिर रही है इसलिए, क्योंकि उन लोग भी अभी आ गए हैं, उनका सीजन है अभी टर 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 करने का। हमारा तो बस बहुत ही बंद हो जाएगा, खेत खार में बूता करने जाएंगे। तो दोस्तों पूरा क्या बताऊं आपको मैं, आप लोग समझ सकते हो यार, छत्तीसगढ़ के आदमी हो यार, बस्तर के आदमी हो भाई, बस तो समझ जाओ क्या बोलना चाहता हूं मैं। तो बस थोड़ा सा मैं आगे टहल के आता हूं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों इधर से टहलते टहलते जा रहा हूं मैं अब घर। तो दोस्तों एक बात थी यार, समाज ना स्त्रियों के प्रति हमेशा से दोगला रहा है, क्योंकि जब महात्मा गौतम बुद्ध जी जंगल जाते हैं, जंगल से लौटने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध बन जाते हैं, पहले नहीं रहते, जब जंगल से लौटते हैं ना घर, तब महात्मा गौतम बुद्ध बन जाते हैं। और दोस्तों मैं भी महात्मा गौतम बुद्ध जी के बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, बहुत वचनों को पढ़ा हूँ, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला है मेरे को, उनसे बहुत प्रेरणा मिला है, उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन वही सीता माता जब जंगल से घर लौटती है तो कलंकित हो जाती है, ऐसा क्यों, हमारा सोचना बहुत घटिया है दोस्तों। और वैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो अगर मेरी बात किसी की भावना को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और बस अभी जा रहा हूं घर यार, आज का सीन तो बस इसी था, लोल था, जैसा भी था, लेकिन मजा आया, मस्ती के साथ काम किए, क्योंकि अकेले काम करने से उतना मजा नहीं आता जितना दोस्त लोगों के साथ काम करने से मजा आता है। वैसे बहुत हंसी मजाक किए, थोड़ा सा दर्द भी से है, मेरे पैर में ना लकड़ी लग गया है, थोड़ा सा दर्द कर रहा है, तो फिर भी उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा वो। बस यार छोटा मोटा चीज होते रहता है जिंदगी में, उस सबको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ घर जाने के लिए,
और आप लोग भी मेरे को आगे बढ़ाओ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मित्रों मिलते हैं, और वैसे आज की इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दिल खोल कर। तो मिलते हैं बस कल के अगले ब्लॉग में, तब तक ले थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। 5, 6, 5, 6, 7, 8 जी करदा कपताना हां दे जल से नचने तो मेरा अज जी करदा कपताना हां दे जल से नचने तो मेरा अज जी कर। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, नहीं नहीं भाई, आजकल गाना ट्रेंडिंग वायरल में है तो हमें भी कर दो बस। मैं गाना गा रहा था, ऐसा ऐसा मत समझना यार।